भी पसंद खुनिया भूमिया अगरिया लोहार को संवैधानिक सुरक्षा सुविधाएं दी जा रही है। त्रिज्या जाति को आदिम जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए जिस तरह से झारखंड राज्य में शामिल किया गया है। उद्योग खनिज आदि में प्रभावित किसानों को मुआवजा के अतिरिक्त आंदोलनों के प्रणेताओं जैसे कि पद्मश्री माता राजमोहनी देवी शहीद बिंद नारायण सिंह शहीद गेंद सिंह वीरांगना रानी दुर्गावती पद्मश्री ये दिन जो है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये जो है हमको साथ में चलने की प्रेरणा देती है और हमारे वर्गों के साथ जो अन्याय और अत्याचार होते हैं उसको सामूहिक रूप से उसका प्रतिकार करने के लिए लड़ने के लिए ताकत देती है। अपन बड़े ही धूमधाम के साथ इस आयोजन को मनाते हैं क्योंकि हमारा समाज हमेशा शोषित रहा है और उनके साथ एक से एक बढ़कर लगातार प्रहार होते जा रहे हैं उनके संवैधानिक हक अधिकारों पे, उसके लिए भी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं हम इस मंच के माध्यम से। एक तो 4 मई को जो मणिपुर में जो हमारे वर्गों की महिलाओं के साथ जो अमानवीय घटना हुई उसकी अपन निंदा करते हैं और निंदा प्रस्ताव हम राष्ट्रपति को SDM के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने प्रदेश से गाइडलाइन था, काली पट्टी लगा के हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और आक्रोश पट्टी के साथ ही जो है अपन SDM कार्यालय हमारा रैली जाएगा, वहाँ SDM के माध्यम से हम अपनी राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। हमारा ये भी मांग है कि मणिपुर में जो खून खराबी की घटना हो रही है वो अविलंब उस पर विराम लगे। वहाँ डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारे साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ उसका अनदेखी किया गया, उसका भी हम निंदा करते हैं ऐसे षड्यंत्रकारी ताकतों। आज को इस मौके पे अपन यही संदेश देना चाहते हैं कि संगठित रहिए, आने वाला समय बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है अपने समाज के लिए। यदि संगठित नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। शिकार आदिवासी समुदाय की महिलाएं होती हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरत है हमारी महिलाओं को जागरूक करने की और इतना सशक्त बनाने की कि वो किसी के प्रलोभन में किसी के दबाव में ना आए और अपने जीवन को शोषण से मुक्त रखें। इसके लिए समुदाय को भी ये आह्वान करती हूँ कि वो उनका सहयोग करें और ऐसी कोई भी घटना होती है तो तत्काल उसका विरोध करें और छात्राओं को स्वयं समझना होगा कि वह किसी के बहकावे में ना आए, किसी के शब्दबाज में ना आए, पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें और उसके बाद ही किसी के साथ अपने बच्चों को बाहर काम पे भेजें या बाहर पढ़ने भेजें। इस तरह की घटनाएं जो है हमारे समुदाय के लिए बहुत वो ये संदेश देना चाहूंगी कि आप किसी से कम नहीं हैं, इसलिए आप अपनी क्षमता को पहचानें, शिक्षित बने और अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करते हुए समाज में उचित स्थान बनाएं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोकेगा।